सो ये बी रोल ऐसे ही नहीं था। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं वापस घर क्यों आया हूँ। सो बेसिकली आपने वो मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा, बहुत बड़ा छत्ता था और मुझे बचपन से मधुमक्खियों से बहुत बहुत डर लगता है। और मैंने सोचा कि अगर उन मधुमक्खियों को कुछ हो जाए तो ओपन टेरेस में मेरा क्या होगा, इसलिए मैं चुपचाप मेरे घर आ गया। एंड आई एम रियली सैड अबाउट दैट बिकॉज इट्स करेंटली 5:30 PM, सो गोल्डन हार्स सनलाइट अभी चालू होने वाली थी, बहुत अच्छा क्रिस्पी फुटेज मुझे मिल सकता था, पर मैं वापस घर आ गया हूँ अपने ट्यूबलाइट के लाइट से वीडियो शूट कर रहा हूँ। सॉरी अबाउट दैट। सो बेसिकली विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत क्लीशे ट्रांजिशन हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं करूँगा। सो गाइज, मैं कुछ दिनों पहले लेविटेशन फोटोग्राफी ट्राई कर रहा था। तो बेसिकली अगर आपको लेविटेशन फोटोग्राफी नहीं पता है तो ये इस तरह की फोटोग्राफी होती है कि जिसमें आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट्स फ्लाई कर रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं एयर में। और ये फोटोग्राफी सच में बहुत गजब है। बहुत सारे अच्छे इंस्टाग्रामर्स इस तरह की फोटोग्राफी करते हैं और वो बहुत गजब की फोटोग्राफी करते हैं, जैसे एक आदमी उड़ रहा है, जैसे कि आपका फोन उड़ रहा है। सो बेसिकली इस तरह की फोटोग्राफी को बोलते हैं लेविटेशन फोटोग्राफी। और मैंने भी सोचा बहुत कूल है यार, कुछ इंस्टाग्राम पे बहुत दिनों से कुछ किया नहीं है तो क्यों ना किया जाए। सो जब मैं लेविटेशन फोटोग्राफी करने गया तब मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग करना ट्राई किया। देख लीजिए, वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लेविटेशन फोटोग्राफी कैसे करते हैं और आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है लेविटेशन फोटोग्राफी करते वक्त। सो इट्स अ क्लिप फ्रॉम दैट डे। हे व्हाट्स अप एवरीवन, आई नो लॉन्ग टाइम नो सी, आई हैवंट अपलोड एनी वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू वन ऑफ द सिटी एरिया टू कैप्चर लेविटेशन फोटोग्राफी। मैं ये पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी लेविटेशन फोटोग्राफी छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ की है, पर अब मैं एक्चुअल में खुद लेविटेट होने वाला हूँ। सो बेसिकली आप भी देख सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफी एंड आई थिंक यू ऑल्सो कैन लर्न समथिंग। फॉर दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफी देर आर सम इसेंशियल्स। सो बेसिकली यू नीड अ स्टूल, एनी काइंड ऑफ स्टूल, प्लास्टिक और एनी काइंड ऑफ स्टूल। एंड वी आर गोइंग विथ आवर साइकल्स, वी डोंट वेस्ट पेट्रोल, सो वी आर गोइंग विथ आवर साइकल्स, सो लेट्स गो। सो जैसे कि आपने देखा कि मैं लेविटेशन फोटोग्राफी करने के लिए जा रहा था, तब मैंने स्टूल मेरे साथ लिया है क्योंकि स्टूल बहुत इंपॉर्टेंट है लेविटेशन फोटोग्राफी के लिए। जैसे कि मैं फोटोशॉप में प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैंने जो इजीएस्ट वे जहाँ पे आपको स्टूल कैरी करना पड़ेगा जहाँ फोटो निकालने वाले हैं, सो मैं सोचने लगा कि मैं ये फोटो कहाँ पे निकालूं। मुझे ऐसे नॉर्मल जगह पे नहीं निकालना था जहाँ कि मेरा बिल्डिंग का पिछला वाला एरिया और एक नॉर्मल सा रोड जो कि बहुत बोरिंग लगता। और मैंने एक लोकेशन सिलेक्ट किया, नेशनल हाईवे। आई नो दैट साउंड्स लाइक सो डेंजरस और अनइम्पॉर्टेंट बिकॉज आई डोंट नो, आई जस्ट वॉन्ट टू शॉट एन ऑसम फोटो, दैट्स वाई मैं नेशनल हाईवे पे गया। हियर इज सम व्लॉग फुटेज यू कैन सी। सो राइट नाउ वी आर एट द लोकेशन वेयर आई वॉन्ट टू शूट। एज यू कैन सी इट्स अ नेशनल हाईवे एंड देयर आर सो मेनी कार्स एक्चुअली गोइंग ऑन, सो दैट्स पर्टिकुलरली अनसेफ टू डू द लेविटेशन फोटोग्राफी ओवर देयर समवेयर ओवर देयर। दैट्स व्हाई एक्चुअली आई वॉन्ट दिस सिनेरियो इन माई बैकग्राउंड ऑफ द फोटो, सो सो फार सो गुड। सो जैसे कि आपने व्लॉग फुटेज में देखा,
मैं मिडल ऑफ द हाईवे गया मेरा प्लास्टिक का स्टूल लेके, आजू बाजू में बहुत तेज गाड़ियां जा रही थी, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक जा रहे थे, और जो कि मेरा दोस्त था वो भी थोड़ा सा डर रहा था, क्या पता पुलिस भी आ जाती और पुलिस हमें पकड़ लेती और बाद में फाइन वगैरह मार देती। और एक्चुअली बिहाइंड द स्टोरी पुलिस आई थी पर दे वेयर जस्ट चिल्ड अबाउट अस, दे डिडंट इवन नोटिस अस इन द मिडल ऑफ हाईवे, और वो पुलिस की वैन जस्ट वहाँ से चली गई। और मैं भी बहुत खुश हुआ कि पुलिस वाले ने कुछ बोला नहीं वगैरह, बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने देखा लोकेशन बहुत अच्छा था क्योंकि बैकग्राउंड में पूरी थाने सिटी की जो स्काईलाइंस है, जो नए बिल्डिंग्स बने हैं वो सब थे, और मुझे वो लोकेशन बहुत पसंद आया था। शुरुआत में तो मेरे सारे फोटोज़ गंदे आए और मुझे भी लग रहा था कि ये वर्क नहीं कर रहा है, मेरा फ्रेंड भी बोलने लगा कि बहुत गंदे फोटोज़ आ रहे हैं, कुछ अच्छी सी पोजीशन वगैरह ट्राई करो। पर मैं इतना भी फिजिकली फिट नहीं हूँ कि मैं बहुत टाइम तक उस छोटे से प्लास्टिक स्टूल पे फ्लोट कर सकूं। बहुत सारे फोटो निकालने के बाद मुझे लगा कि शायद वर्क नहीं कर रहा है, और मैं घर आते समय भी ऐसा सोच रहा था कि शायद मुझे कोई भी अच्छा फोटो मिला ना हो और ये पूरा प्लान फ्लॉप गया हो। सो बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप स्टूल लेके जा रहे हैं तो वो बहुत स्टर्डी स्टूल हो, बहुत मजबूत स्टूल हो, ना कि एक प्लास्टिक वाला। तो हमने जस्ट अभी लेविटेशन फोटोग्राफी ट्राई की है, बहुत हार्ड था एक्चुअली, मैंने सोचा नहीं था इतना हार्ड होगा, और जो कि एक नेशनल हाईवे के बीच में करना तो वो उससे भी हार्ड हो गया था। तो बेसिकली लेविटेशन फोटोग्राफी बहुत टफ थी, और अब घर जाके मैं देखूंगा फोटोशॉप करके उस पर इफेक्ट डाल के देखूंगा कि वो कैसा हो रहा है बेसिकली। और ये सब होने के बाद मैं अपने घर आया और डेफिनेटली मैं गया एडिटिंग करने। सो लेट्स डाइव इनसाइड कंप्यूटर स्क्रीन, सो आपको मैं बता सकूं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑफ हाउ टू एडिट लेविटेशन फोटोग्राफ्स। सो राइट नाउ वी आर इनसाइड माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे दो फोटोज इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो एक फोटो है वो है बैकग्राउंड जहाँ पे मैं और स्टूल नहीं है, और एक फोटो है जहाँ पे मैं स्टूल पे फ्लोटिंग की एक्टिंग कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये दोनों फोटो मैंने रॉ फॉर्मेट में खींचे हैं। रॉ फॉर्मेट अगर आपको पता नहीं हो तो वो कैमरा की सेटिंग होती है जिससे बहुत हाई क्वालिटी फ़ोटो आते हैं और आपको पोस्ट प्रोडक्शन में मदद होती है। अगर आपको रॉ फॉर्मेट के बारे में और जानना है तो मैं एक वीडियो फ्यूचर में बना सकता हूँ, जस्ट कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वांट। सो आगे जाके मैं ये दोनों फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक के ऊपर एक इन दोनों फोटोज़ को रख रहा हूँ, और पेन टूल सिलेक्ट करके मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए फ़ोटो में वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली पेन टूल होता यह है कि आप इसके साथ फ़ोटो में सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर एक चीज़ नहीं चाहिए या फिर आपको उसको एडिट करना है तो पेन टूल के साथ आप उसको सिलेक्ट करके मिटा सकते हैं। मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि यही पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ आपको बहुत केयरफुली सिलेक्शन करना पड़ता है, अगर आप थोड़े भी यहाँ वहाँ चूक गए तो शायद फ़ोटो फेक लग सकता है। सो जैसे कि हमारा सिलेक्शन एंड होता है तो मैंने वापस स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से मिला दिया है। आपको बस बाद में करना यह है कि जो स्टार्ट पॉइंट है उस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे क्लिक करना है, तो उसके बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। सो बाद में आपको बैकग्राउंड फोटो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नीचे जाके ये जो स्क्वायर उसके अंदर जो सर्कल है उस जैसे आइकन को क्लिक करना है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा है, और अभी वक्त है थोड़े से कलर ग्रेडिंग का। सो बेसिकली मैंने बाद में इस फोटो को PSD फॉर्मेट में सेव करके लाइट रूम में ओपन करके मेरी कलर ग्रेडिंग स्टार्ट की और मुझे फाइनल रिजल्ट मिला ये। तो बेसिकली बहुत मज़ा आया लेविटेशन फोटोग्राफी ट्राई करते हुए, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, एक नया एक्सपीरियंस मिला। जब आप कहीं पे भी फोटोशूट या वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सो शायद आपको भी देख के बहुत मज़ा आया होगा और आपने भी कुछ नया सीखा होगा जो कि आप बाद में ट्राई कर सकते हैं लेविटेशन फोटोग्राफी। सो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुबोध राजम और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। पीस आउट गाइज, कीप क्रिएटिंग एंड बी प्रोडक्टिव एवरी सिंगल डे। थैंक यू।